आज मैं सिखाने वाला हूँ बूटेबल यूज भी कैसे बनाता है उन्डर जानने के लिए कंप्यूटर में। ये मिनिमम 8 GB चाहिए, 8 GB से ऊपर जितना भी होगा, 16 GB, 32 GB, ये 32 GB है। ओके सकते डाउनलोड कीजिए ये वाला। डाउनलोड हो रहा है, हो गया डाउनलोड ऑलरेडी। इसके बाद इसको एक कट कर दीजिए, डाउनलोड फोल्डर में लेंगे, फोल्डर ये जो है बाद में जो इस बीटा लगा था वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है वो। हाँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है बाद में जो ISO फाइल है, ISO फाइल जैसे डिक्स और ISO इमेज ये रहने दीजिए। इधर इधर क्लिक कीजिए, आपका जो ISO फाइल है जो भी रखा है उधर ले जाइए। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। कैसे विंडोज 10, 7, 8 कैसे डाउनलोड करता है ISO फाइल बनाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। ये सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके ओपन कीजिए, ओपन फिर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। बाद में ये जो है GPT और MBR जो है आपको देखना पड़ेगा आपका कंप्यूटर में कैसा है, क्या है, GPT है क्या, MBR है। उसके लिए आपको कंप्यूटर में इधर मैनेजर में जाना पड़ेगा। मैनेजर में जाना पड़ेगा, बाद में डिक्स ये जो सीट है, ये जो टाइप है इधर, ये प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वॉल्यूम में जाइए, देखिए मेरा जो है लैपटॉप MBR है। MBR मतलब आपको जो है इधर चेक करना है, जो MBR और GPT कौन सा है आपको देख लेना है, ठीक है। MBR है, उसके बाद मैं MBR कर देना। ओके, इधर आप
नाम लिख दीजिए क्या विंडोज 10 है विंडोज 7 है मैं लिख देता हूँ आइए विंडोज 10 इसके बाद पूरा रेडी है इसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए स्टार्ट ये यूज कर देना है जो आपका जो डेटा है उसके बाद डिलीट फॉर्मेट हो जाएगा बाद में ये बुक में बुक है ओके कर दिया ठीक है ये थोड़ा टाइम लगता है ओके ये थोड़ा टाइम लगता है ओके ये टाइम लगता है थोड़ा मैं पॉज करूँगा ओके ये थोड़ा टाइम ये हुआ 7.7 है हम लोग करते हैं उसके बाद तो होगा ये और ये जो ये टूल है इसको कैसे डाउनलोड करता है ये दिखाया फिर भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उधर से भी जाकर तो लिंक पे जाओ क्लिक करोगे तो सीध एकदम डाउनलोड ऑप्शन में जाएगा ठीक है आप चाहते हैं उधर से डाउनलोड कर सकते हैं आसान है 100% हाँ और एक बार मुझे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए कुछ भी आपको जानना हो मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट करो मैं रिप्लाई जरूर करूँगा percent हो गया अंडरस्टैंड लेकर आप कुछ भी देख सकते हो मैं ज़्यादा अंडरस्टैंड जो अंडरस्टैंड है अंडरस्टैंड डबल रेडी अंडरस्टैंड बूटे वाले उसके ओके इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो विंडोज फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं ISO फाइल कैसे वो बनाते हैं ओके तो मैं रेडी करके रखा था आपके सामने डाला वो किया यूज मैं दिखाता हूँ ISO फाइल ठीक है अंडरस्टैंड
ये वाला। ओके ओके बाय।